हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। सैटरडे और संडे इट वाज लाइक वीकेंड और आज हम बात वी आर बैक टू अवर सीरीज। हम मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि थर्ड लेक्चर में हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है एलजेब्रा। और एलजेब्रा में भी हम जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वो है एलिमेंट्री एलजेब्रा, यानी कि एकदम बेसिक लेवल की जो एलजेब्रा होती है वो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट्री एलजेब्रा की बात करी जाए तो एलिमेंट्री एलजेब्रा में चीज़ें आती क्या क्या है। एलिमेंट्री एलजेब्रा की अगर बात करें तो एक जो पर्टिकुलर पार्ट आपसे, जिस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली वही डिस्कस करेंगे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितनी चीज़ें नॉन इंपॉर्टेंट लगती हैं उन चीज़ों को छोड़ देंगे। एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले देखिए क्या होता है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि अगर एलजेब्रा में बात करी जाए तो कभी कभी लास्ट टू लास्ट ईयर की जैसे पुलिस कांस्टेबल के पेपर थे और उसमें आपसे एलजेब्रा से रिलेटेड ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आए थे, जैसे 15A + 13AB और -17AC, और इसमें आपको जोड़ना था। किसको जोड़ना था, ये आपके सामने की इक्वेशन दी गई थी और इसमें आपको जो जोड़ना था वो आपका जो पार्ट था वो था 17AC - 33AB और +26A। तो अब अगर इस टाइप से चीज़ों को जोड़ना है तो अपन कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि इस साइड जो चीज़ रहती है इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिस चीज़ की वैल्यू चेंज होती रहे वो चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएबल। क्या, जिस चीज़ की वैल्यू चेंज होती रहे उस चीज़ को बोला जाता है वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। जैसे ए बी सी जितने भी अपन कांस्टेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या है, एक की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो टाइम टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इन चीज़ों को बोला जाता है वेरिएबल। अब जैसे आपके सामने एक इक्वेशन दी है 15A + 13AB - 17AC और इस तरीके 17AC - 33AB + 26A, तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो क्या है, AB AC। इस तरीके से यहाँ पे जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो AC AB और A। अब अगर आपसे इनसे बोला जाए कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, एकदम बेसिक से लेवल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये टाइप का क्वेश्चन आपसे कांस्टेबल के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा टारगेट है इस पूरे के पूरे कोर्स में, वो टारगेट है हमारा व्यापम, और व्यापम से रिलेटेड हम सारी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस टाइप से कभी आपके सामने चीजें आए तो आपको क्या करना है कि जैसे ए वाला जो चीज है, ए वाले पार्ट में कौन सी चीज ऐड होगी, जो यहां पे आपको ए वाली टर्म दिख रही है वही ऐड होगी, यानी कि ए में ए ही ऐड होगा, ए बी में ए बी ही ऐड होगा। जैसे यहां पे 13AB दिख रहा है तो यहां पे -33AB ही ऐड होगा, और इस तरीके से -17AC दिख रहा है तो यहां पे +17AC ही होगा। ऐसा नहीं है कि ए में ए बी जुड़ जाए या ए बी में ए सी जुड़ जाए, एकदम बेसिक सी लेवल की चीज रहती है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये चीज व्यापम पूछ चुका है और हमारे जो कॉमर्स के भाई बहन बंधु या फिर जो जिनका मैथ से बहुत दिनों से रिश्ता टूट गया है वो यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो अब जैसे 15A + 26A इनको आपस में जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 41A। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 41A + 13AB - 33AB, तो आंसर क्या आ जाएगा, -20AB, और यहाँ पे साइड 17AC + 17AC, तो ये आपस में हो गया कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के क्या आ गया, 41A - 20AB। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेसिक एलिमेंट्री में अगर आपको जोड़ना है घटाना है तो यहाँ पे चीजें हो जाती है। अब इसी तरीके से आपसे एक चीज ऐसे बोला जाती है तो बात हो गई जोड़ने की, अगर आपसे बोला जाता है कि इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने की इक्वेशन दी गई है 17A - 15AB और 13AC, और इसमें से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 15AB + 22AB - 33A। अब अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज समझिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये जो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है ये ना सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होता है बल्कि ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज कहां पे, ब्रैकेट के बाहर। तो जो पूरे की पूरी इक्वेशन जो सॉर्ट आउट होकर आएगी वो क्या आएगी, 17A - 15AB + 13AC, फिर क्या होगा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, -15AB + ये माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -22AB, और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -+, यानी कि 33A। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, ए के साथ ए वाला रख लो, ए बी के साथ ए बी वाला रख लो, ए सी के साथ ए सी वाला रख लो, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप में आपसे मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो चीज आती है वो आती है डिवीजन। अब डिवीजन में आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगी कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज रही दिखी दी रहेगी कि fx = क्या दिया जाएगा, fx =
मान लीजिए fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 4। अब आपके सामने ऐसी कोई वैल्यू दी गई है fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, इसको आपको डिवाइड करना है gx से, और gx का मान क्या है, x माइनस 2। अब अगर आपको fx को gx से डिवाइड करना है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको ये बताना है कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। अब इस कंडीशन में आपको क्या बताना है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक बेसिक सा फंडा याद रख लेना। बेसिक सा फंडा क्या रहता है कि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, किस चीज से डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो x माइनस 2 को क्या कर लो, 0 से इक्वेट कर लो। तो यहां से अगर आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू आएगी 2। और इस 2 को आपको कहां पे पुट करना है, fx में जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे क्या डाल देना है, आपको 2 डाल देना है। जैसे ही आप इस 2 को यहां पे पुट करोगे, बाद में आपके पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो कहलाएगा आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यहां पे याद रखना कि शेषफल कैसे निकाला जाता है, इस 2 को अगर आप x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 में अगर आप इस 2 को पुट कर रहे हो तो यहां पे फाइनल में जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो अब आपको इस कंडीशन में आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहां पे x क्यूब की जगह पे 2 को पुट कर दीजिए, तो क्या डालेंगे अपन, 2 की जगह x क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस 4। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी कितना हो गया, 6 माइनस कितना हो गया, 4। तो 8 में से 8 हो गया सबट्रैक्ट, 6 माइनस 2 कितना हो गया, बचा गया 2। तो आपके पास ये जो 2 बच गया ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहां पे आपने क्या निकाल दिया, 2, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आपका आ गया वो आ गया आपका 2। अगली चीज पे चलते हैं। इसी टाइप से अगर आपको एक और चीज दी जाए, ये हमेशा याद रखना कि ये चीज ऑलरेडी प्लाटून का मेंटर में पूछी जा चुकी है, आज से 2 साल पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस बार भी ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ऐसा ही मिस टाइप की क्वेश्चन आ जाए, कोई नई बात नहीं रहेगी अगर ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना है, कभी भी आपसे डिवीजन या फिर आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर निकालना है तो जो भी आप जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको किस चीज से इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, वहां से एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कहां पे पुट कर दोगे, आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। अब अगर आप इक्वेशन में चीज को पुट कर दोगे तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4, और यहां से जो आपकी फाइनल चीज आ गई ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अगली चीज पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा बस x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए या किसी और चीज से डिवाइड किया जाए, हो सकता है कि कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आपसे बोला जा सकता है कि 27x³ - 9x² + 3x - 8, अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है, इसको आपको डिवाइड करना है 3x + 2 से। अब ऐसा हो सकता है कि gx यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू इस टाइप से दी गई हो कि gx इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x + 2। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। अब रिमाइंडर अगर आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 3x + 2 को किस चीज से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो 3x + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2/3। अब जब आपने एक बार x की वैल्यू निकाल दी -2/3, अब ये x की वैल्यू कहां पे पुट कर दोगे, fx में पुट कर दोगे, और fx यहां पे क्या था, 27x³ - 9x² + 3x - 8। अब अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनली सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, और सॉल्यूशन को ही हमें निकालना है क्योंकि यहां से हमें क्या पता चलेगा कि शेषफल कितना होगा। अब अगर हमें शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है, 27x³ में अपन को क्या वैल्यू पुट करना है, -2/3 का होल क्यूब। अब -2/3 का होल क्यूब यहां पे अपन ने पुट कर लिया, ऐसी क्या दिया गया, -9x², तो -9x² x की जगह पे क्या कर दिया, 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या दिया गया, 3x, तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, और यहां पे लास्ट में क्या वैल्यू दी गई है, -8, तो यहां पे डाल दिया अपन ने -8। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि -22 वैल्यू निकल के आएगी, और ये आपने निकाल दिया रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी क्या होता है, शेषफल। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि यही क्वेश्चन, यही फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को पूछने का। अब ये तो हो गई रिमाइंडर थ्योरम वाली बात, अगली चीज पे चलते हैं जिसको बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर थ्योरम में किस तरीके से चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं।
आइए बात करते हैं कि किस तरीके से आपको आपको एक चीज दे दी जाएगी कि मान लीजिए 3x-1 है। अब 3x-1 में से आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको ये पता करके बताना है कि 3x-1 27x³-9x²-6x+2 का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 है तो 10 को आपको फैक्टर बताने, तो आप क्या बताओगे 5 और 2, कितने 10 के फैक्टर है। यानी कि ऐसी चीजें जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो पूरी की पूरी इक्वेशन वो बन जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है, फैक्टर। अब इस इक्वेशन में से अगर आपको ये बताना है कि 3x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप इसको कैसे पता करोगे, सेम वही फंडा होता है, 3x-1 को किससे चीज से इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब 1/3 को आप कहां पे डालोगे, fx में डालोगे। अब अगर fx में डालने पर यहां पर अगर आप 27x³ में अगर आप 1/3 डाल रहे हो और 1/3 डालने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब 3x-1 इसका फैक्टर है नहीं तो नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओवरऑल चीज की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। अब जैसे 27x³ में अगर अपन 1/3 डाल के देखें तो 27 - 1/3³ - 9x² तो -9 और 1/3² - 6x यानी कि -6 × 1/3 और प्लस का मतलब +2, तो अब यहां पे आ गया +2। अब यहां पे क्या करेंगे, 27 × 1/27 - 9 × 1/9 - 6 × 1/3 और प्लस आ गया 2, तो अब यहां पर 27 से हो गया 27 कैंसिल, 9 से हो गया 9 कैंसिल, 6 × 1 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना बच गया -2 और +2। तो अब आपको ये बताना था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आपने सीधी सीधी चीज बता दी कि -2 + 2 = 0, यानी कि ये जो 3x-1 जो आपको वैल्यू दी गई है इसका फैक्टर है। अगली चीज पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी कि अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसी चीज में जो आगे आपके सामने क्वेश्चन बन के आएंगे उन क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पे एक जो चीज आपको पता थी कि लेबर इंस्पेक्टर पेपर में जब मैंने पहला लेक्चर लिया था उसमें चीज में एक चीज आई थी, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या चीज निकल के आई थी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य निकालना था किसी समीकरण का। अगर आपको शून्य कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको यह पता करना था, तो शून्य कैसे निकाला जाता है आपको यह बताना पड़ता था। अब शून्य एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके रखने पे पूरा समीकरण की वैल्यू 0 हो जाए, उसे बोला जाता है शून्य। यानी कि जैसे देखिए आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है, जैसे x² - 5x + 4 है, क्या दी गई है, x² - 5x + 4 है। अब इस समीकरण का अगर आपको शून्य बताना है तो कैसे आप इस समीकरण का शून्य बताओगे, देखिए समीकरण का शून्य क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इस पूरे समीकरण के फैक्टर निकालेंगे, तो x² - 4x - x + 4, तो ये क्या हो जाएगा इसके, आप इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसके फैक्टर निकाल सकते हो, तो इसके फैक्टर आपके सामने क्या निकल के आ जाएंगे, x - 1 और x - 4, तो इसके जो फैक्टर आ गए वो एक आ गया 1 और एक आ गया 4। अब ये 1 और जो 4 हैं ये क्या हो जाएंगे, समीकरण के शून्य, क्योंकि अगर आप इन वैल्यू को रखोगे, जैसे यहां पे अगर आपने 1 रखा और यहां पे आपने 1 - 5 + 4 रख दिया, तो पूरी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट करी जाती है, अगर आपसे कभी बोला जाए किसी पॉलिनोमियल का 0 बताना है शून्य बताना है, तो उसके फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट करके वहां पर प्लेस कर दो तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है 0, और इसे कहला जाता है शून्य ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगली चीज पे चलते हैं, अगली चीज क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, यानी कि द्विघातीय समीकरण, यानी कि जिस समीकरण के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 की हो उसे क्या बोला जाता है, द्विघातीय समीकरण। क्या होता है द्विघातीय समीकरण, क्या होता है, जहां पे कोई भी अगर ऐसा कोई समीकरण दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम पावर जो आपको दिख रही है अगर मैक्सिमम पावर 2 की है, मैक्सिमम पावर कितने की है, 2 की है, तो इसे क्या बोला जाएगा, द्विघाती समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि आपको पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखना है, वहां पे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर क्या आ रही है। अब मैक्सिमम पावर अगर आपको दिख गई कि 2 की पावर है, तो 2 की पावर को आपको निकालने का, अगर आपको 2 की पावर दिख रही है तो ये क्या हो गया, द्विघाती समीकरण। अगर 3 की पावर दिख रही है, मैक्सिमम पावर अगर 3 की है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय समीकरण, या फिर इंग्लिश में बोले तो उसे बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन, और इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस तरीके से क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर होता है, यानी कि जहां पे कोई भी पावर नहीं हो, पावर हो 1 की मैक्सिमम, तो उसे क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन या फिर एक घातीय समीकरण।
अब ये समीकरण हो गया, अब समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपके सामने दी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपके सामने एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, आपके सामने इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अब इस इक्वेशन से आपको बोला जा रहा है सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए एक हमेशा तरीका याद रखिएगा, इस तरीकों को बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी कि ये जो आपको बीच की टर्म दिख रही है यानी कि x वाली जो टर्म दिख रही है इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि जो आपका स्प्लिट हो वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो, यानी कि जैसे ये लास्ट वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आना चाहिए फोर एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को यानी कि बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि इन दोनों का अगर आपस में प्रोडक्ट करें तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब अगर फाइव एक्स को हमें स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, माइनस फोर एक्स और माइनस एक्स। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप माइनस फोर एक्स और माइनस एक्स का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, और इसको भी अगर आप इन दोनों को अगर आप सॉल्व करके देखो तो ऊपर क्या मिल जाएगा, माइनस फाइव एक्स। यानी कि इन दोनों को इस तरीके से स्प्लिट करो कि आपके पास जो चीज मिले वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो, यानी कि जैसे यहां पे आपके पास प्रोडक्ट क्या है फोर एक्स स्क्वायर, तो आपको माइनस फाइव एक्स को इस वे में स्प्लिट करना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ने घटाने पे आपके पास ये टर्म भी रहे और दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो ये आए। तो इस तरीके से बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से चीजों को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें एक और चीज होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पूरी की पूरी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है वो किस फॉर्मेट में दी जाती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी हो गया, मेनली चीजें ऐसी फॉर्मेट में दी जाती हैं। अब इसमें आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि एक चीज होती है, एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट और एक चीज होती है सम ऑफ द रूट, यानी कि इसके जो मूल्य निकल के आएंगे मूल्यों का जोड़ और मूल्यों का गुणा, या फिर मूल्यों का प्रोडक्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं हिंदी में जो भी बोलते हैं मूल्यों का गुणा। तो अब यहां पे अगर इसके मूल्य निकालना है तो मूल्यों का जो जोड़ रहता है वो मूल्यों का जोड़ हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा निकल के आता है वो रहता है माइनस बी बाय ए। इस चीज को अपन ने एक्सटेंसिवली यूज किया जब मैंने एलआई के लेक्चर लिए थे, तो हमेशा याद रखना कि शून्यों का जो रूट्स रहते हैं रूट्स का जो जोड़ आता है वो कितना आएगा, माइनस बी बाय ए, और रूट्स का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या निकल के आता है, सी बाय ए। सी क्या रहता है, सी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है और जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या निकल के आता है, सी बाय ए। वाले भी अब ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन बी वाली जगह पे बी आएगा, सी वाली जगह पे सी आएगा। जैसे अभी अपन एक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उस इक्वेशन से अपन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर थी। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर आपके सामने की इक्वेशन दी गई थी। अब अपन को यह पता करना है कि भाई शून्यों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो अपन सीधा बता सकते हैं कि शून्यों का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए, सी यहाँ पे क्या कितना है, फोर है, और जो आपका पास जो पहली वैल्यू है वो कितनी है, वन, तो सी बाय ए फोर ही आ रहा है। अब आप अगर इस चीज को प्रैक्टिकली देखना चाहें तो इसके शून्य क्या क्या निकल के आए थे, अपन ने इसके शून्य भी निकाले थे, माफ कीजिएगा मैं शून्य बोल रहा हूँ, इसके अपन ने मूल भी निकाले थे। मूल अपन ने क्या क्या निकाले थे, इसके जो मूल निकल के आए थे वो आया था वन और फोर। अगर वन और फोर को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो वही वैल्यू आएगी जो अपन को वहां से मिल रही है, वन मल्टीप्लाइड बाय फोर यानी होता है फोर। अब इस तरीके से अगर आप कहो कि इनका जोड़ क्या होगा, तो वन प्लस फोर यानी कि फाइव इनका जोड़ आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप समीकरण में देखा जाए तो यहाँ पे इनका जो जोड़ आएगा वो भी आपके पास फाइव ही मिलेगा, यानी कि माइनस बी बाय, माइनस बी कितना है, माइनस फाइव है, तो माइनस माइनस फाइव बाय ए, यानी कि ये भी कितना आ रहा है, फाइव ही आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर रहे हो तो एक्जैक्टली वही वैल्यू निकल के आती है जो आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन पे मिलती है। अगली चीज पे चलते हैं, अगली जो आपको कुछ चीजें याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक टेबल बनवा दे रहा हूँ, ये टेबल आपके पास परमानेंट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज आपके काम आने वाली है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे अगर आपके सामने दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। या फिर ऐसा अगर दिया जाए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं हाँ, फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स और फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स।
तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जा रहा है तो 5x प्लस 3x और 5x माइनस 3x भी लिख सकते हो। अब ये होगी पहली प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता होगी। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब चीजें सेम रहेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस 2ab है और यहाँ पे माइनस 2ab है, तो ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, ये चीज हो गई। अगली चीज पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है तो उसको क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे याद रखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बाहर कितना रहेगा ए प्लस बी और अंदर कितना रहेगा ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरीके से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है तो यहां पे क्या रहेगा ए माइनस बी और अंदर कितना हो जाएगा, अंदर चीजें हो जाएंगी प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। सीधा सीधा याद रखना कि इस थ्योरम पे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, यानी कि ऐसे अगर आपको दे दिया किसी क्वेश्चन में, आपको ऐसे दे दिया कि 5x³ माइनस 3x³ और नीचे आपको एक वैल्यू दे दी गई कि 5x² और प्लस 5x 15 यानी कि 15x² और प्लस 9x² अगर इस टाइप से वैल्यू भी दे दी गई तो आपसे पूछा जा सकता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन आपको सीधा एक लाइन में लिखना है, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस वी क्यूब था और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारे पास कितना बच गया, इस साइड कितना बच गया ए माइनस बी, यानी कि पूरी कितना बड़ा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जा सकता है। और ये देते ही एसएससी का फेवरेट ट्रेंड वाले क्वेश्चन है कि इस टाइप से इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे देते हैं और आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इस साइड कितना बच गया ए माइनस बी, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, अगली प्रॉपर्टी में क्या पूछा जाता है, ए क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी किस तरीके से आप लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कभी कभी आपको ऐसा दिया जाता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी जाती है, बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ती है, तब आप इस तरीके की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। और इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इस प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा काम आएंगे, वो मैं आपको काम कब बताऊंगा जब अपन इन चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। और इस तरीके से पावर यानी कि लॉ ऑफ इंडाइसिस जो चीज होती है, यानी कि पावर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आते हैं, तो पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज याद रखने की आपको काफी ज्यादा जरूरत है। यानी कि जैसे अगर x की पावर x ऊपर m की पावर है और मल्टीप्लाइड में क्या है x ऊपर n की पावर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा x ऊपर m प्लस n की पावर। इस तरीके से अगर x ऊपर m की पावर है और ओवरऑल n की पावर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा x ऊपर mn की पावर। अब अगर तीसरी चीज पे चलते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि अगर x और y दोनों के ऊपर अगर m की पावर है तो उनको आप सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हो कि x के ऊपर m की पावर और y के ऊपर m की पावर, इस तरीके से भी इनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x के ऊपर m की पावर है डिवाइडेड बाय x के ऊपर n की पावर, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो x के ऊपर m माइनस n की पावर। और इस तरीके से इन सारी प्रॉपर्टीज का आप यूज कर सकते हो और ये प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब इसी पार्ट में अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो अगला पार्ट क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित आपका पार्ट होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अपन ने चीजें थी वो पहले डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ट्राई करेंगे कि चीजों के अपन रूट्स फाइंड आउट कर पाए, यानी कि दो तीन इक्वेशन मैं आपके संग में डिस्कस कर रहा हूं, इनके अपन रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और रूट किस तरीके से निकाले जाते हैं ऐसे अपन पता करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये चीज दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब अपन को इसके रूट निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3x स्क्वायर। अब 3x² को अपन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो चीज निकल के आए, इनका जो फैक्टर निकल के आए वो माइनस 4x के बराबर है। तो अगर 3x² की जगह पे अपन अगर 3x माइनस 3x और माइनस 1x अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकल के आए निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3x² आ रहा है। लेकिन अगर माइनस 3x और माइनस 1x को देखा जाए तो ये किसके बराबर हो रहा है, माइनस 4x² बराबर। तो अपन ने माइनस 4x को किसके फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो ये कितना आ गया x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए, तो आपके पास रूट जो निकल के आ गए वो आ गए 1 और 3। अगली चीज पे चलते हैं, अगला जो पार्ट आपके सामने दिया जा रहा है, अगले पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 3x क्यूब
3x² + 4x - 3। अब अगर आपको इसके रूट निकालने तो इसके रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि 3 * 9, अगर ये चीज इस पार्ट में ब्रेक नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो अपन को क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। अब डी यानी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए साधारण सा अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है, -b + - डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac / 2a। क्या होता है, b² - 4ac / 2a। तो इसका अगर डी निकाला जाए तो डी कितना आएगा इसका, 4 * 16 = 4 × (-3) - 3 / 2a, यानी कि 2 × 2 = 6। तो यानी कि इसका डी कितना आ रहा है, 16 - 4 = 12 = 36, यानी कि +36/6। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 36 + 16 यानी कि 46 + 56/6। तो इसका जो डी निकल के आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 56/6। अब अगर आपको इसके रूट निकालने तो आप रूट के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -b + −√d/2a। तो अब यहाँ पे जो अगर जो इसके दो रूट निकल के आएंगे वो क्या, पहला क्या रहेगा, -b + √d/2a, और दूसरा रूट जो निकल के आएगा वो आएगा -b - √d/2a, और d आपको पता चल गया 56/6 इसका d आ रहा है। आगे चलते हैं, इसी पार्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे, और इस पार्ट में अगर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तो अब आप उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करके देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मेनली अभी स्टार्टिंग हमने कहां से कहां तक कवर कर लिया, हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली, बेसिक कैलकुलेशन कवर कर लिया, तो अब अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपन मेनली किस चीज के सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि आपको रूट पता है, स्क्वायर रूट पता है, इक्वेशन को सॉल्व करना समझ में आ गया, और बेसिक अपन ने चीजों की प्रॉपर्टी पढ़ ली। यानी कि अब जो हमारे पास जो पार्ट बचा रह गया वो है कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन अपन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, उसमें सारी चीजों को यूज करेंगे, और इन सारी चीजों का जो यूज अपने पास फाइनली निकल के आएगा वहां से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रॉपर्टी का कहां पे यूज करना है। तो जो 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, और मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय।